अमरोहा के स्वास्थ्य विभाग में प्रदीप कुमार काम करते हुए लॉ की पढ़ाई करते रहे और जब इतने समय बाद पकड़े गए तब इनकार कर दिया और सारे आरोपों को झुठलाते हुए सफाई दी कि वे कॉलेज की शाम वाली क्लासेस लिया करते थे। इन सब बातों का खुलासा संजीव कुमार की आरटीआई के तहत हुआ जब उन्हें प्रदीप पर शक हुआ। उन्होंने अपने शक को दूर करने के लिए आरटीआई के तहत स्वास्थ्य विभाग के क्षय विभाग और बांके बिहारी कॉलेज ऑफ लॉ उझानी में याचिका डाली, जिसमें ये साबित हो गया कि प्रदीप कुमार ने न केवल जिला पीएमडीटी के पद पर काम किया बल्कि 24,000 का भ्रमण भत्ता भी लिया। ये शिकायत संजीव कुमार ने की है कि एक प्रदीप कुमार है सना प्यारे लाल, वो कोऑर्डिनेटर के पद पे तैनात है क्षय रोग डिपार्टमेंट में और उनका कहना है कि साहब तैनाती के दौरान उन्होंने जो है डिग्री ली है लॉ की, पढ़ाई की है, जो कि सही नहीं है और दोनों काम कैसे कर सकते हैं, ये उन्होंने शिकायत की है। इस पर हम जांच करने के लिए सीएमओ साहब को लेटर भेज रहे हैं और जांच करेंगे, जांच करके इसको पूरा परीक्षण करके बताएंगे इसमें क्या अनियमितता है, यदि अनियमितता पाई जाती है तो कार्रवाई की जाएगी। इन सभी पर अमरोहा जिला अधिकारी बालकृष्ण त्रिपाठी ने आगे की प्रक्रिया के लिए सीएमओ को मामला भेज दिया है। संजीव कुमार ने बताया कि उन्होंने भी उस पद के लिए प्रयत्न किया था और वो चाहते हैं कि और लोगों को भी मौका मिले।